यू आर बींग underpaid फॉर डूइंग दी एग्जैक्ट सेम जॉब पूरी दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मेरे को यह बुलवा दे कि भाई गवर्नमेंट ने ब्रांड न्यू रेलवे स्टेशन बनवाया इंडियंस ने क्या किया गुटखा थक दिया दीवार पे। पर प्रॉमिस करता हूँ आपका एक भी मिनट वेस्ट नहीं होगा एक भी सेकंड इस वीडियो में वेस्ट नहीं होगा दूसरा कोई भी हेट फैलाना किसी को भी गाली देना इसको बुरा बोलना इसको ए, उल्टा सीधा बोलना ये पर्पज नहीं है इस वीडियो का कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा हूं उस फैक्ट्स के बेसिस पे अगर किसी को डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है इस वीडियो को बनाने का पर्पज सक्सेसफुल हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इन वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कैनेडा इस वीडियो के लिए मैंने थोड़ा सा डेटा निकाला है आपको डिसीजन मेकिंग में

से कम ही कमा रहे हैं एज पर जो मैंने डेटा देखा था फिर भी मैंने हायर सैलरी ली है हो सकता है कुछ लोग इससे ऊपर भी कमा रहे हो विच इज वेरी ऑब्वियस तो अगर आप सेवेंटी सिक्स थाउजेंड को डायरेक्टली डॉलर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अराउंड पचास लाख रुपए आ जाते हैं इज नॉट करेक्ट हमें यूज करना होगा परचेजिंग पावर पैरिटी नाउ आई अंडरस्टैंड परचेजिंग पावर पैरिटी अपने आप में एबसोलूटली कैन नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर बट हमें अपना आर्ग्यूमेंट किसी तो लॉजिक पे बेस करना है मैं उसकी भी बात करूंगा जो फैक्टर्स डेटा में काउंट नहीं होते जैसे कि पेरेंट्स या पोल्यूशन ये सब चीज डोंट We will talk about Now, अगर मैं परचेजिंग पावर पैरिटी में अफोर्ड कर पाओगे इंडिया, मतलब ,00 इंडिया में आपकी सैलरी सेवन लाख थर्टी 6 लाख ,00 होगी तब जाके आप कनेडियन पेंग स्टैंडर्ड परचेजिंग पावर पैरिटी लगा के, के कैनेडा में कुछ सामान महंगा इंडिया में कुछ सामान सस्ता है तो परचेजिंग पावर पैरिटी इन सबको बराबर कर देती है वो करके

लाख रूपए स्टाइल इन बहुत कंट्रीज इंडिया में लेकिन पैसे कितने मिल रहे हैं सात लाख रुपए कम दे रहे हैं लोग आपकी इंग्लिश अच्छी है एंड उसके बाद भी आप कम सैलरी पे काम कर रहे हो यू टेल मी वाइ एक और बढ़िया वेरी फेमस प्रोफेशन उसको भी डिस्कस बिजनेस एनालिस्ट ठीक है ज एन एवरेज मोर इन बेंगलुरु तो मैंने बैंगलुरु लिया तो so, बेंगलुरु में जो सैलरी है दट इज नाइन लैक ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ऑन एन एवरेज और कैनेडा में जो बिजनेस एनलिस्ट की सैलरी है जो कुछ सालों में कम हो गई है क्योंकि बहुत सारे बिजनेस एनलिस्ट हो गए थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाउ यू आर बींगरपेड बाई थ्री लैख सेवेंटी एट थाउजेंड ऑन एन एवरेज ठीक है नाउ अब ये चार लाख की वैल्यू आपके लिए कितनी है क्या है दैट इज योर डिसीजन डोंट वरी वीडियो में और भी बहुत कुछ आना है अभी लेट सी वन मोर प्रोफेशन ठीक है तो आई नो सम यू वर्क फॉर अ बिग फोर हेयर इन कैनेडा तो वहां से मुझे आइडिया आया तो इंडिया में सेम कंपनी है ये जिसका मैं इंडिया और कनाडा का कंपैरिजन करने वाला हूं तो इंडिया में जो बिग फोर है उसकी टॉप अकाउंटिंग uh, की सैलरीज ये हैं एवरेज सैलरीज है किसी पे भी आप क्लिक करोगे इट्स गोना टेक यू टू अ जॉब पोस्टिंग यहां पे ये सैलरी है एंड ऑल ऑफ दैट ठीक है नाउ लेट्स सी सेम एग्जैक्ट कंपनी सेम एग्जैक्ट रोल के लिए

कोई अप्लाई करेगा उसको सत्रह हजार रुपए मिलेंगे एक महीने के ये जॉब बीस घंटे पहले पोस्टेड थी जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और दूसरी जॉब थी अठारह हजार रुपये महीने वाली एवरेज सैलरीज पोर्टल पे पोस्टेड थी उसका स्क्रीनशॉट है ऑल ओवर इंडिया का ठीक है दिल्ली का गुड़गांव हरियाणा बेंगलुरु हैदराबाद पुणे कोलकाता कर्नाटका तमिलनाडु न्यू दिल्ली तो ये सारा स्क्रीनशॉट है एवरेज जो है चार लाख ,00 से ऊपर कहीं भी नहीं है एज अ स्टार्टिंग नर्स नाउ आर यू रेडी कैनेडा नर्स की कितनी सैलरी है Canada में एक नर्स मेक्स एन एवरेज फ्रिक इन अब ये अगर आपको इंडीड पे जाके देखना है अभी खुद से जाओ इंडीड कैनेडा पे खुद सर्च करो खुद आपको रियलिटी पता लग जाएगी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है इंटरव्यूड नर्स जिसमें शी टोल्ड मी काम कैसा होता है पैसे कितने मिलते हैं ओवर टाइम का कितना हाई पे होता है शी मेक्स ग्रेट मनी शी इज अ वेरी नाइस पर्सन तो आप उसकी भी वीडियो जाके देख सकते हो तो इफ यू आर अ नर्स इन इंडिया यू आर बीइंग अंडरपेड बाय 12 लाख रुपीस मतलब अगर आप सेम एग्जैक्ट काम कनाडा में कर रहे होते परचेजिंग पावर पैरिटी लगाने के बाद भी

कनाडा में लीगली दो वीक एडवांस में आपको बताना होता है नो no मैटर आप कितनी टू वीक्स नोटिस देना है एंड सेनी मोर और बहुत सारे लोगों को मेरे भाईयों बहनों को गलत फहमी है इंडिया में टैक्स कम है कैनेडा में टैक्स ज्यादा है ये yes, कनेडा में टैक्स ज्यादा है तो उसके बराबर की भाई सर्विस भी मिलती है ठीक है रोड्स पे गड्ढे नहीं है आई ट्रेवल्ड ऑल अक्रॉस कैनेडा दिस ईयर एंड मैं बहुत ट्रेवल करता हूँ तो भाई हाईवे पे जब गाड़ी चलाता हूँ एक पे क्रूज में लगाता हूँ तो आई एम नॉट स्क्य

Pay taxes like to get like टैक्स इंडिया में वेस्टर्न कंट्री लेवल का लिया जा रहा है लेकिन सर्विस कैसी दी जा रही है ये तुम बेहतर जानते हो ठीक है मतलब अगर आप सीरियसली देखो तो भाई इंडिया में रीच अ लेवल तो भाई देर इज डिसीसेंट अमाउंट ऑफ टैक्स दट इज बिंग पेड अच्छा खासा अमाउंट आपकी सैलरी से कट रहा है ठीक है मैं भी इंडिया में ही जॉब करता था भाई जब मेरे दो लाख रुपए की सैलरी आती थी जिसमें मैं देखता था कि भाई, इतना टैक्स कट रहा है रियली really? एंड फिर उसके बदले में फैसिलिटीज आप देखो तो यू you नो know. इस नेक्स्ट स्लाइड का टाइटल ड बट दिस कुड वेरी वेल बी वाई यू वुड वॉन्ट टू मूव अब्रॉड मैं सिंपल सा बता देता हूं पॉइंट नंबर वन देर इज नो पॉल्यूशन देर इज नो पोल्यूशन हेर इन कैनेडा मतलब ए क्यू बाई वन रहता है मतलब हंड्रेड से नीचे हाउ एवर कभी कभी वाइल्ड फायर लगती है वो नेचर है यू नो मैन मेड नहीं है इट्साइन इस साल जैसे नहीं लगी जहां मैं रहता हूँ ब्रिटिश कोलम्बिया में यहाँ पे नहीं लगी वाइल्ड फायर बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स भाई नो पोल्यूशन लिटली नो पोल्यूशन द लेक्स आर ब्लू एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल सो डोंट वरी अबाउट दैट ठीक है इन in इंडिया में पोल्यूशन तो यू नो हाउ इट इज ठीक है वॉटर एयर साउंड से लेकर हर चीज का आपको पता है क्या हाल है दूसरा ट्रैफिक और ड्राइविंग कल्चर की मैं बताता हूँ अगर मैं इंडिया में लेन में चलना चाहता हूं और मैं रेड लाइट से पहले रुकना चाहता रेड लाइट में जो लाइन होती है उससे पहले रुकना चाहता हूं और मैं सारे रूल फॉलो करना चाहता हूं किसी और को कट ऑफ करके ऐसे करके ऐसे करके क्रिएटिवली नहीं चलाना चाहता तो भाई जहां मुझे पहुंचना होगा वहां नहीं पहुंचोगे सिस्टम अब ऐसा बन चुका है कि यू हैव टू बी क्रिएटिव वाइल योर ड्राइविंग यहाँ पे ना पॉट होल है नोला है मोस्ट लोग ड्राइव पीसफुली केयरफुली बढ़िया मजा आता है भाई ड्राइव करना तो इज लाइक थेरेपी यहाँ पे मेरे लिए तीसरा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप एक और मैं आपको बात बताता हूँ गवर्नमेंट ने ब्रांड न्यू रेलवे स्टेशन बनवाया इंडियंस ने क्या किया गुटखा तो दिया दीवार पे ठीक है किया कि नहीं किया गवर्नमेंट ने भाई बढ़िया नई जो ट्रेन थी वो बनवाई उसके ऊपर लोगों ने क्या किया पत्थर मारना चालू कर दिया इंडिया में कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं तो उस टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट कितना ही जितना कर रही है मैं तो कह रहा हूँ वो भी चलो ठीक है बहुत बढ़िया अपनी तरफ से कर रहे हैं बट लोग क्या कर रहे हैं सीवर होता है ना जो जब पॉट होल होते हैं जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है भाई उसका भी इंडिया में रैकेट है कि वो भी लोग चुरा के ले जाते हैं और उसको वो उसको बेचते हैं मतलब दर इज छोड़ो मैं क्या क्या बताऊँ तुम्हें यहाँ पे ये सब ये सब गंदगी नहीं है श्योर यार कुछ जगह गंदी होती है कुछ जगह अच्छी होती है मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किसी यूटोपियन वर्ल्ड में रह रहा हूँ कोई गुटखा थूकने वाले नहीं है यहाँ पे अगला पॉइंट है करप्शन कुछ नहीं बोलूंगा किसी रूरल एरिया में मेट्रो सिटीज तो चलो छोड़ दो किसी रूरल एरिया में अगर आपका दो फ्लोर का मकान है उसके ऊपर तीसरा फ्लोर डलवाना हो छत बनवानी हो एक फ्लोर और बनवाना हो तो आपको पता है हाउ इट वर्क ठीक है मेरे को कुछ इसमें बोलने की जरूरत है ही नहीं मेरे को ना आप सब इंडिया में बड़े हो यू नो एग्जैक्टली हाउ इंडिया वर्क इंडिया में करप्शन किस लेवल तक रूटेड है यू नो हाउ इट इज ठीक है अगला पॉइंट है सेफ्टी कंसर्न कोई भी दुनिया की जगह हंड्रेड सेफ नहीं होती क्रिमिनल बुरे लोग सब जगह होते हैं अगर मैं आपको आज चॉइस दू की आपको अगले एक महीने तक डेली रात को दो बजे वॉक पे जाना है या काम से आना है काम से जाना है वुड यू रेदर पिक या कनाडा या फिर वुड यू रैदर पिक इंडिया यू माइट नॉट आंसर द क्वेश्चन लोग ऑफेंड हो जाते हैं क्रिटिसिज्म सुन के आप इंडिया के किसी कोने की न्यूज पढ़ लो किसी कोने की ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जहां मर्जी की न्यूज पढ़ लो यू नो न्यूज में एक्जैक्टली क्या आता है ये भी मेरे को आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है क्राइम सब जगह होता है यहाँ पे भी क्राइम होता है वेस्ट में भी क्राइम होता है मैं ये नहीं बोल रहा पे क्राइम नहीं होता तीसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ अब ये ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है लोग बोलते हैं इंडिया में क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है इंडिया में जो मंगाओ दस मिनट में आ जाता है मेड है यह है भाई ये वो भाई सब इसीलिए क्योंकि आप किसी दूसरे की लेबर को चीप रेट पे एक्सप्लॉय कर पा रहे हो अगर गवर्नमेंट बोल देना की भाई सबको इतनी लिवेबल तीस हजार पचास हजार रुपए की मिनिमम वेज देना मैंडेटरी है ये सब मेड वेड सब चक्कर सारा खत्म हो जाएगा ये सिस्टम जो है ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर ये तभी तक चल रहा है जब तक गवर्नमेंट चलने दे रही है अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी ही अच्छी होती तो ये जो पॉलिटिशियन ये जो लोग हैं जिनके पास 100, 200, 500 करोड़ रुपए हैं, मतलब मेरा पेन उठाने से मेरा एक एक चीज के लिए नौकर रख सकते हैं क्यों अपने बच्चों को बाहर भेज वाई डू देर अब्रॉड ज अ रीजन बिकॉज बाहर क्वालिटी ऑफ लाइफ सच में अच्छी है पांच बजे सच में काम खत्म हो जाता है मैनेजर सच में पांच बज के एक मिनट के बाद कॉल नहीं करता चाहे कितना ही बड़ा क्राइसिस हो इट डेल्ट विद नेक्स्ट डे ठीक है यहाँ पे अगर कोई इंप्लॉयर आपका बुरा करता है एंड यू कंप्लेट इन अ वर्स बोर्ड तो भाई उसका रेजोल्यूशन होता है नेक्स्ट डे कॉल आता है कि यस आप अपनी अनोनी में स्टेटमेंट दो बताओ क्या हो गया यहाँ पे कंडीशन सच में अच्छी है ये सिर्फ नाम के लिए ऑन पेपर नहीं है कि लॉज एग्जिस्ट करता है यहाँ पे द एक्सेबिलिटी इज जस्ट टू गुड हाँ बहुत सारी कमी है लेकिन द बेनिफिट्स रियली आउट वे जो यहाँ पे लिमिटेशन है ठीक है लास्ट पॉइंट बोलूंगा किसी को भी हेट देने के लिए वीडियो नहीं थी आप भूल जाओ कि मैं इंडिया की बात कर रहा था या मैं कैनेडा की बात कर रहा था जस्ट थिंक कि मैं प्लेस ए वर्सेस प्लेस बी की बात कर रहा था इन दोनों को fund, एक कोसिस पे या फंडामेंटल लेवल पे हम कंपेयर कर रहे थे अगर आप लेट्स से कहीं झारखंड में रहते हो ठीक है एंड वहां पे आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली ट्राई करने के बाद एंड आपको गुड़गांव या दिल्ली जाना पड़ा या मुंबई में आपको अच्छी कहीं बैंक में जॉब मिल गई इज दैट अ रॉन्ग थिंग मतलब यू आर लुकिंग आउट फॉर योर सेल्फ इज दैट अ बैड थिंग नहीं तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इतना सेंटिमेंटल तरीके से नहीं सोचा जाता हर चीज को अपने भले के लिए इफ यू आर स्किल्ड आपको इंडिया में एम्प्लॉयर्स लूट रहे हैं मतलब यू आर बींग अंडर

मैक्सिमाइज करूँ अगर मैं यहाँ पे 200 डॉलर एक्स्ट्रा बना लू ना सिर्फ 200 डॉलर कुछ नहीं होता लोग एक दिन में बना लेते हैं मैं इंडिया में अपनी फैमिली को वो पैसे भेज के उनकी लाइफ स्टाइल वहाँ बेटर कर सकता मैं ढाई वीडियो बना चुका हूं मेरे को तुम्हारी हेट से कोई फर्क नहीं पड़ता बट जो समझदार लोग होंगे वो इस वीडियो का पर्पज समझ गए होंगे कि भाई आफ्टर हैविंग द स्किल्स एंड द कम्युनिकेशन यू आर नॉट अर्निंग इनफ मनी थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना ऑल अबाउट कैनेडा लिविंग इन कैनेडा मेकिंग योर लाइफ इजियर इन कैनेडा मैं वीडियो बनाता रहता हूँ डोंट मिस आउट थैंक यू सो मच बाय बाय एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो